धामी ने उत्तराखंड कानूनों को बताया मिसाल, कहा यहां के कानूनों को अपना रहे अन्य राज्य के कानून, जरूरत पड़ी तो बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को धमकी देने वाले के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने की मुकदमा दर्ज कराने की मांग, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले को बताया चुनावी हथकंडा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मारपीट का मामला, ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मंत्री पर कार्रवाई की मांग, पुलिस ने मामला किया दर्ज। देहरादून में जमीन और भवन खरीद फरोख्त में स्टाम्प शुल्क की चोरी, विभाग को लगाया 18 करोड़ से ज्यादा का चूना, अब ब्याज सहित होगी आरोपितों से वसूली। भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री, जयकारों से गूंजा बद्रीनाथ, पिछले साल से ज्यादा तीर्थयात्री करेंगे दर्शन। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं, इन कानूनों को अपना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है। समय दिया, देखिए उत्तराखंड के अंदर चूंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं, और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में भीमताल और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भीमताल विधानसभा में 32 किलोमीटर लंबी सड़क सहित कई झूला पुल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के पेट्रोल पंप सहित नैनीताल विधानसभा के कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सतपाल महाराज ने यहां 24 करोड़ 19 लाख योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य सरकार निरंतर विकास कार्य कर रहे हैं, राज्य में चौतरफा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। क्षेत्र भीमताल के विकासखंड रामगढ़ के अंतर्गत खुटानी, भवाली, धानाचूली, ओखलखांडा, खनस्यू, पतलोट मोटर मार्ग का 32 किलोमीटर से मल्ला, सूपी, रुसानी, तीगढ़, कपुआ, लोधिया तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य 4.27 किलोमीटर है और 2,37,91,81,000 के ये बन के तैयार होगी। छीड़ा खान से हाई स्कूल तल्ली पोखरी तक संपर्क मार्गों के निर्माण का लोकार्पण ये 2,83,93,000। जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अंतर्गत विकासखंड ओखलखांडा के ग्राम सभा रीठाकोट के तोक सियाली मध्य गोला नदी के 45 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण का शिलान्यास 1,77,99,000। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बेंगलुरु में आरोप लगाया कि बीजेपी नेता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया पर आए पोस्ट पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जबकि कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा की तरफ से पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले को
हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव आता है तो मुद्दाविहीन कांग्रेस चुनाव में सफल होने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक चुनाव को देखते हुए यह हथकंडा अपनाया है जिसका वह खंडन करते हैं। कांग्रेस से हम अपेक्षा तो करते हैं कि उसको कुछ तो टक्कर दे, क्योंकि अपोजिशन जब कमजोर होता है तो बहुत से विषय छूट जाते हैं। युद्ध भी युद्ध की तरह होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की कांग्रेस पूरी तरह मुद्दाविहीन है। आपसी द्वंद से रात दिन उनका जो द्वंद्व है वो सार्वजनिक हो रहा है, उसके कारण कमजोर है। और मैं कह सकता हूँ भविष्य का जो लोकसभा का चुनाव है, अभी कांग्रेस के अनेकों लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी मारे। उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राठौड़ की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कांग्रेस बड़े आंदोलन को मजबूर होगी। आप सबको पता है कि अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आगामी 10 तारीख को कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना है, और इसी चुनाव के बीच में कई ऐसी बयानबाजियां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा हो रही हैं, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। अभी जो की जो घटना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रत्याशी हैं कर्नाटक चुनाव में, मणिकांत राठौर, उन्होंने एक बयान जारी किया, एक वीडियो पूरा जारी, उनका ऑडियो वीडियो है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। तो आज हम इस सब को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष था। हम लोग यहाँ डोईवाला कोतवाली पहुँचे और हमने तहरीर दी और हमने उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज सिर्फ डोईवाला में ही कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पूरे देश की जितनी कोतवाली हैं, जितनी चौकियाँ हैं, सब में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी कई ऐसे नेता हैं, कर्नाटक का एक विषय था जिसमें हमारी मांग है कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि हमने जो YouTube का लिंक है वो भी प्रोवाइड किया है, और अगर इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो हम सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। वन मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम कुमाऊं पहुंच रहे हैं, जहां संगठन को लेकर प्रचारात्मक बैठक होनी है। साथ ही बागेश्वर में कार्यकर्ताओं से मिलकर जो चुनाव होने हैं उन पर चर्चा की जाएगी। हमारे प्रभारी जी का कुमाऊं का प्रवास है और बागेश्वर में जाने वाले हैं, जहाँ हमारे संगठन नया संगठन परिचयात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ साथ बागेश्वर के अंदर कार्यक्रम से मिलना और वहाँ के विषय को लेकर के आगामी दिनों में वहाँ बाई इलेक्शन होना है, तो सब प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय हो सर्वसम्मत से होगा। रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में भाजपा की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका आमजन को लाभ मिल रहा है, और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हम आमजन तक योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2024 सम्मुख है और केंद्र के चुनाव होने हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, या दुनिया के पटल पर भारत के सम्मान का सवाल होगा, और इसलिए हम इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए हम 2024 का चुनाव हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम जनता से यही कह रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई एक बार फिर आप
मोदी की सरकार बने। बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। देखिए जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी उसकी पुनरावृत्ति करेगी। बीते दिनों पूर्व तीर्थ नगरी ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित उनके सुरक्षाकर्मी समर्थक और युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें सुरेंद्र नेगी को पीटने वाली वीडियो वायरल हो गई थी। इसमें मंत्री सहित सुरक्षाकर्मी तथा समर्थक सुरेंद्र नेगी को पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बावजूद मंत्री के दबाव में घायल सुरेंद्र नेगी पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस और मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उग्र होते आंदोलन के चलते आखिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। हम लोग आज इसलिए यहां पर आए थे कि जो 3 तारीख को जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक एफआईआर दी थी, एक तहरीर दी थी, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम स्पष्ट लिखा था, उसके अंदर उन्होंने यहां पर थाने में दबाव में उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम नहीं डाला, आरोपी में नाम नहीं था उनका, केवल कौशल बिजलवान का नाम डाला गया था। तो हमारी एक ये मांग थी कि या उनका नाम इसमें उनको नामजद किया जाए, जिन्हें जो मुख्य आरोपी हैं। और आज जब भी हम यहाँ आए तो हमें बड़ा ही दुख हुआ कि ना तो हमें कोई रिस्पांस दिया जा रहा था ना कुछ, लेकिन ये महिला शक्ति और ये नारी शक्ति और जितना भी यहाँ पर जनसमूह था, समाज की शक्ति और समाज का ताकत, जनता की ताकत आज नजर आई और उसके आगे पुलिस ने कार्रवाई करी है। हमारी जनता की एक ही मांग है, तब तक हमारी जनता शांत नहीं बैठेगी जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ बैठे हैं, दिल्ली हो चाहे वो लखनऊ हो चाहे कहीं बैठे हो, पहले उनसे जो है इस्तीफा मांगा जाए तुरंत, तब हमारी जनता शांत बैठेगी और कानूनी कार्रवाई हो जाए। जो आदमी सड़क में जो है एक गरीब व्यक्ति को ऐसे मारता है गुंडे के जैसे, उसको जो है सलाखों के पीछे भेजा जाए। उत्तराखंड के लालकुआं में स्थित एक होटल में हिंदूवादी नेताओं ने पत्रकार वार्ता करते हुए सभी लोगों से द केरल स्टोरी फिल्म को परिवार के साथ देखने का आह्वान किया है। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमल जोशी मुनि ने कहा कि जो लोग लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बहन बेटियों को भगाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध केरल सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा समस्त हिंदू समाज को जन जागरण अभियान के तहत हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र से बचाने का काम करना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि द केरल स्टोरी में दिखाई गई स्थिति से पता चलता है कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और सभी हिंदू भाई बहनों को परिवार के साथ द केरल स्टोरी देखनी चाहिए। आज हम सब लोगों ने जो है द केरल स्टोरी जो लव जिहाद पे आधारित जो पिक्चर आई है या रिलीज हुई है, हमने इसमें लव जिहाद के नाम से किस प्रकार से एक मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बहन बेटियों को किस प्रकार से फंसाकर और उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, तो यह आज सभी लोगों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें चिंता करते हुए कि यह जो पिक्चर है इसके माध्यम से जो सत्यता को कराया गया है, एक और ऐसे लोगों के द्वारा उन लोगों को सपोर्ट करने का काम किया जा रहा। हमारा लोगों से, जनता से यह अपील है कि मांग है कि इस पिक्चर को ज़रूर देखें और परिवार के लोगों को दिखाएं। सर, केरल स्टोरी जो पिक्चर आई है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का पूरी योजना है, और ये केवल केरल का विषय नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में ये विषय चल रहा है। इसको बहुत तीव्रता के साथ और गंभीरता के साथ लेना होगा, तभी रोका जा सकता है, वरना ये जनगणना के जो मापदंड हैं इससे संपूर्ण देश टूटने की ओर बढ़ रहा है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे, देखते रहें जन टीवी। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार, जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश, ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट,
शनिवार रात 8:30 बजे। सरोकार, आपकी हर खबर से निगाह, हर हलचल पर सामना, हर झूठ का संघर्ष, जनता के मुद्दों का खबर, आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर, जन टीवी, जन जन की आवाज, खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार 6:00 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन रोड ने डुडकी के खंजरपुर निवासी वीरपाल राणा को युवा जिला अध्यक्ष का नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र में भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरपाल राणा को यूनियन की सेवा और जारी निर्देशों के लिए तुरंत प्रभाव से अमल करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश है कि 15 दिन के अंदर जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन कर मोर्चा की राज्य कमेटी को रिपोर्ट प्रेषित करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ब्रोड ने नियुक्ति की पुष्टि की है। वीरपाल राणा को जिलाध्यक्ष के पद पर मिली नियुक्ति से जिला के कई किसानों के द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। किसान की समस्याओं को लेकर अपने वीरपाल अपना यहाँ से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, हमेशा आशा है, उम्मीद है कि ये खरा उतरेगा हमारे संगठन को, हम भी इनका तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। अगर हमारी जो मांग है, गन्ना परमिट की है, बिजली की है, चकबंदी आदि की है, जब कोई सुनता नहीं किसान की, क्या करे, कहीं ना कहीं तो संगठित होकर हम अपनी बात मनवा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो उनका आदेश है, हम संगठन विस्तार का उसे हम बड़ी तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जितना भी युवा वर्ग हमारा है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज वीरपाल भाई को हमने यहाँ से जोड़ा है और जिला हरिद्वार का युवा जिला अध्यक्ष आज इन्हें घोषित किया है और इनसे अपेक्षा करेंगे कि संगठन को बहुत तेजी के साथ बढ़ाएंगे। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई। ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही है। इस पर DM सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टाम्प शुल्क में काफी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपए के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। देहरादून के सुद्दोवाला में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे की दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी है। इन दवाओं को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नशे के करीब 68,000 कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई है। आरोपी इन दवाओं को बिना डॉक्टरों के पर्चे के छात्रों और स्थानीय मजदूरों को बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो हमारी टीम ने वहाँ रेड करने पर जो है टामाडाल के 748 कैप्सूल बरामद किए हैं और अल्फ्रा जोलाम के जो है 11,400 टेबलेट्स बरामद किए हैं।
पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिसके चलते नारायण धाम इस वर्ष भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के सिंधार पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहते हैं और लगातार बोल बद्री विशाल जी के जयकारे लगाते रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करने के बाद तीर्थयात्री पीएम नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य भी देखने पहुंच रहे हैं। बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य आज भी जारी है। अब दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी का धाम मास्टर प्लान के तहत पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, तब भगवान बद्री विशाल जी का धाम सभी भक्तों को 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से ही दर्शन प्राप्त करने को मिल जाएगा। विश्व विख्यात कैंची धाम में 15 जून को 59वें स्थापना दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में इस वर्ष हर दिन हो रही हजारों की भीड़ को देखकर 15 जून को होने वाली लाखों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। इन दिनों अखंड महामंत्र का जाप किया जा रहा, मंदिर समिति अपनी ओर से तैयारियों में जुट गया है। मंदिर में मालपुओं का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। मुख्य गेट के मंदिर दर्शन और प्रसाद लेकर भक्त पिछले गेट से बाहर जाएंगे। मंदिर में रस्सियों के सहारे भक्त लाइन में लगाकर अंदर जाएंगे। वहीं जल्द मंदिर समिति जिला प्रशासन बैठक कर तैयारियों को लेकर चर्चा करेगा। यह महान बरु बाबा जी द्वारा स्थापित किया गया है और 15 जून की चीज नियत है, तो इसमें हमको सदैव तत्पर रहना है कि 15 जून आने वाला है और हम अभी से अपने प्रयास में जुटे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा और भव्य प्रस्तुत करें, बाबा जी महाराज की सेवा में अर्पण करें, क्योंकि कराने वाले जो बाबा जी है तो रक्षा भी उन्हीं की चाहिए और इस बार तो कुछ समय से बहुत अधिक भीड़ दिख रही है। रामनगर साहित्य अकादमी प्राप्त कुमाऊनी साहित्यकार स्वर्गीय मथुरादत्त मटपाल की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहे 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज उनकी कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति के साथ साथ हमरी दुदबोली हमर पछयान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्वतीय सभा लखनपुर में हुए कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय मटपाल के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। तत्पश्चात रंगकर्मी मानसी रावत की टीम द्वारा उनकी कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर गिरीश पंत ने सभी का स्वागत करते हुए मटपाल के साहित्य के विविध आयामों पर बातचीत रखी। साहित्य अकादमी प्राप्त कुमाऊनी के वरिष्ठ साहित्यकार मथुरादत्त मटपाल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर ये 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज जहां उनकी कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति है, वहीं दूसरी ओर हमारे दुदबोली हमारे पहचान अर्थात हमारी मातृभाषा हमारी पहचान के तहत जगह जगह पर संगोष्ठियां हो रही हैं। कोटद्वार वन विभाग की भूमि पर बनी अवैध रूप से मजार को उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात करके ध्वस्त कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश हैं, जहां पर भी अवैध रूप से किसी भी तरह का धार्मिक स्थल बना हुआ है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। काफी लंबे समय से स्थानीय लोग भी वन विभाग की भूमि पर हो रही गतिविधियों के बारे में प्रशासन को अवगत करवा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से शिकायत करने के बाद तत्काल प्रभाव से मामले का संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर आज सुबह ही इसको ध्वस्त कर दिया गया। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। वन विभाग के द्वारा पहले जो भी इसके बासिंदे हैं जो पूजा करने आते हैं सभी को पहले नोटिस भी दिए गए थे, इसका वहाँ पर चस्पा भी किए गए थे नोटिस भी, लेकिन कहीं से किसी के द्वारा इसका कोई विरोध भी नहीं किया गया, ना ही कोई दवा प्रस्तुत किया गया था। जब कोई दवा प्रस्तुत नहीं किया गया था तो उसके अनुसार फिर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसको हटा दिया गया। यदि कोई अन्य भी कोई अवैध अतिक्रमण होगा तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट ब्लॉक की कोली ठेक सुई डुंगरी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को ठेकेदार के द्वारा बीच में रोकने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मोटर मार्ग का कार्य रुकने से इस मार्ग में यातायात बंद हो गया, जिस कारण ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बताया कि करीब 1 महीने पहले मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा कलमट खुदवाया गया और सड़क पर रोड
पट्टी बिछाए गए, लेकिन ठेकेदार ने करीब 25 दिन से काम बंद कर दिया है, जिससे सड़क पर कलमट खुदा होने से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है और ठेकेदार और इसके नुमाइंदे काम छोड़कर लापता हो गए। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी पिछली पहल से इस मार्ग का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन इस मार्ग का 80% काम पूरा होने के बाद अचानक ये काम रोक दिया गया है और पूरा ये इसका पूरा खुदवाने के बाद यहाँ से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी, जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को और आसपास क्षेत्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ यही साहब भी आए, बल्कि वकील साहब भी थे। हम लोगों ने समझौता करके ये नीचे जमीन वाले मतलब यहाँ इस खबर नहीं दे रहे थे, उनसे मतलब हमने हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जमीन दी, और लेकिन मतलब यहाँ से मतलब नाली काटने के लिए यही साहब कह गए, ठीक है कह तो गए, और लेकिन उसके बाद न तो कोई मतलब करो सार्वजनिक मतलब निर्माण विभाग का न कोई आदमी आया और न कोई ठेकेदार साहब आए, अब यहाँ से स्कूटी निकलना मुश्किल हो गया है। दिक्कत यह है कि अब हम लोगों ने ये एक रास्ते से रोड का निर्माण करवाया ताकि हमें मार्केट जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जल्दी हो, लेकिन ये रोड अच्छी खासी बन रही थी, बीच में पता नहीं क्या हुआ, ये पूरा इन्होंने डिस्कवर के लिए खोद दी रोड और उसके बाद इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। अब आगे काम इसका अटक गया है, ये विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होना चाहिए ताकि हमें सहूलियत मिले। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। धामी ने उत्तराखंड कानूनों को बनाया मिसाल, कहा यहाँ के कानूनों को अपना रहे अन्य राज्य के कानून, जरूरत पड़ी तो बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को धमकी देने वाले के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले को बताया चुनावी हथकंडा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मारपीट का मामला, ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मंत्री पर कार्रवाई की मांग, पुलिस ने मामला किया दर्ज। देहरादून में जमीन और भवन खरीद फरोख्त में स्टाम्प शुल्क की चोरी, विभाग को लगाया 18 करोड़ से ज्यादा का चूना, ब्याज सहित होगी आरोपितों को वसूली। भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री, जयकारों से गूंजा बद्रीनाथ, पिछले साल से ज्यादा तीर्थयात्री करेंगे दर्शन। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।